नमस्कार दोस्तों, SMTC इंस्टीट्यूट से हम पवन सर। और दोस्तों, आप सबों के घर में सब कुशल मंगल तो है ना? चलिए, सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों, उम्मीद है कि सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम कुछ टूल्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि एक अच्छा लैपटॉप रिपेयर इंजीनियर, एक अच्छा मोबाइल रिपेयर इंजीनियर के पास आज के टाइम में कौन सा टूल्स होना कंपलसरी है, होना जरूरी है, तभी आज के दिन का जो 5G फोन आ रहा है, जो 4G फोन है, उसमें काम करने में, उसको सॉल्यूशन करने में, उसको बस बनाने में आप अच्छे से काम करके कस्टमर को दे सकते हैं, कस्टमर का सेट ना खराब हो, वो सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। उसके लिए आपके पास में कौन कौन सा टूल्स होना चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं दोस्तों और जानकारी देते हैं। यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपके पास नहीं है दोस्तों, तो उसको परचेज कर लें जो मोबाइल रिपेयर का वर्क अभी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो टाइम है वो है एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन, ठीक है दोस्तों। तो स्मार्टफोन के लिए हमारे पास जो टूल्स होना चाहिए, स्मार्टफोन यदि हमारा बंद हो गया है, ऑन करना है, जैसे कि ये सब फ़ोनों को बंद हो गया, ऑन करना है, तो ये सब फ़ोन के लिए हमारे पास ऑन करने के लिए ये DC पावर आपके पास होना चाहिए, DC सप्लाई, ये 5 वोल्टेज का मशीन आपके पास होना चाहिए दोस्तों। इस मशीन से ही हमारा जितना एंड्रॉयड फ़ोन हो, आईफोन हो, MI का फ़ोन हो, ओप्पो का, वीवो का फ़ोन हो, सैमसंग का फ़ोन हो, वन प्लस हो, ऑल टोटल जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है, जितने भी मोबाइल्स में इनबिल्ट बैटरी लगता है दोस्तों, जैसे कि देखिए ये हमारा गूगल का फ़ोन है, देखिए गूगल का फ़ोन है दोस्तों, इसमें इनबिल्ट बैटरी है, तो इनबिल्ट बैटरी के लिए जो नॉर्मल DC सप्लाई आता है, उस DC सप्लाई से हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा अच्छे से, उसके लिए हमारे पास ये 5 वोल्टेज का मशीन होना चाहिए, DC सप्लाई। इस मशीन से तुरंत हम इस फ़ोन को ऑन कर सकते हैं, फटाफट ऑन हो जाएगा दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें सोल्यूशन बहुत जल्दी होता है। यदि इसका मदरबोर्ड शॉर्ट कर गया है तो इस मशीन से हम 1 मिनट में शॉर्टिंग को रिमूव कर देंगे फटाफट। इस मशीन का ये पावर है, 1 मिनट में शॉर्टिंग गायब, शॉर्टिंग का बीमारी दूर। इस मशीन का फोन ऑन करने में फटाफट के ऑन कर देगा दोस्तों, शॉर्टिंग तुरंत गायब कर देगा। यदि हमारा बैटरी बैठ गया है तो बूस्ट करने के लिए ये सब बैटरी का फादर है, तुरंत ये बूस्ट कर देगा दोस्तों। मतलब ये मशीन आपके पास, यदि आप एक मोबाइल इंजीनियर हैं और यदि आपके पास ये मशीन नहीं है, आप इस मशीन को परचेज नहीं किए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप परचेज कर लें, ताकि कस्टमर का नुकसान होने से बचे और आपका भी बेनिफिट जो कम हो रहा है, जो इनकम कम हो रहा है, वो इसके ज़रिए आपका इनकम बढ़ने वाला दोस्तों। एक बार इसमें थोड़ा पैसा खर्च लगता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन आप इसे परचेज कर लें। हम अपने स्टूडेंट को भी कहना चाहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो ट्रेनिंग लेकर के चले गए, जो दुकान बना रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि यदि माय डियर स्टूडेंट आपके पास ये मशीन नहीं होगा, तो कोशिश करें और जल्दी से जल्दी इस मशीन को खरीदें, ताकि आपको काम करने में 50% आसानी हो जाएगा, 50% आसानी हो जाएगा, सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करने में 50% आसानी हो जाएगा इस मशीन से। और जो कस्टमर रिटर्न जाता है ना, जो कस्टमर एक दो रिटर्न भी जाता होगा इस मशीन नहीं रहने के कारण, तो वो भी रिटर्न जाने से बच जाएगा। तो इस पे ध्यान दें। और चिप लेवल, IC लेवल का यदि आपको काम करना है, ये सब एंड्रॉयड फ़ोनों में IC लेवल का काम करना है, तो इसका जो मदरबोर्ड होता है दोस्तों, बहुत सॉफ्ट होता है, IC जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। पहले का नोकिया का फ़ोन आता था, सैमसंग का फ़ोन आता था, उसका मदरबोर्ड बहुत हार्ड होता था, तो उसमें बिना माइक्रोस्कोप के जरिए भी चल जाता था और काम कर लेते थे। लेकिन ये सब ऐसा मदरबोर्ड है दोस्तों, इसमें बहुत सावधानी पूर्वक हमको काम करना पड़ता है, इसमें बहुत कंपोनेंट्स लगा होता है, देख सकते हैं आप, इसमें इतना कंपोनेंट्स लगा होता है कि मतलब नॉर्मल आँख से देखना भी प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। तो उसके लिए और IC लेवल का काम करने के लिए, यदि आप IC को रिवॉल्व करते हैं, IC को रिप्लेस करते हैं, कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में वर्क करना चाहते हैं, तो आपके पास दोस्तों ये माइक्रोस्कोप होना अनिवार्य है।
यदि आप अच्छे प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं, अच्छे से वर्क करना चाहते हैं, तो आपके पास दोस्तों माइक्रोस्कोप होना चाहिए। माइक्रोस्कोप यदि होगा तो आप आईसी लेवल का वर्क एकदम एक नंबर का कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि आपके पास बजट हो तो आप ये माइक्रोस्कोप खरीदें। यदि आपके पास बजट नहीं है दोस्तों, तो कम दाम में भी माइक्रोस्कोप आता है, 3,000-2,000-2,900 के आसपास में माइक्रोस्कोप आता है। वो पर्सनल काम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये हम स्टूडेंटों को ट्रेनिंग देने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। यदि आप पर्सनल काम करते हैं तो बजट कम है तो आप ये माइक्रोस्कोप नहीं खरीदें, ये बहुत महंगा माइक्रोस्कोप कॉस्टली आता है। आप कम से कम दाम का माइक्रोस्कोप को खरीदें ताकि आपको काम करने में सुविधा हो। 3,000-4,000 के आसपास माइक्रोस्कोप आ जाता है दोस्तों, उसको परचेज करके आप काम कर सकते हैं। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी कहना चाहेंगे, ये माइक्रोस्कोप काफी बजट का है, इसको ना खरीदें, आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप खरीदें जिससे आप काम कर सकते हैं। हम इस माइक्रोस्कोप से सभी स्टूडेंट लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए हम इस माइक्रोस्कोप को परचेज किए हैं दोस्तों। और आपको काम करना है, सिंगल काम करना है, वन पर्सन काम करेंगे तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से काम कर सकते हैं। तो आपके पास दोस्तों ये दो चीज तो कंपलसरी है। आज के टाइम में जितने भी फोन हमारे हैं, जितने भी मोबाइल फोन है, यदि ये फोन हमारे पास डेड आ गया, यदि ये फोन हमारे पास डेड आ गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि फोन चार्जिंग सेक्शन से भी डेड होता है, पावर सेक्शन से भी डेड होता है। तो यदि ये फोन हमारा चार्जिंग सेक्शन से डेड है तो इस मशीन तुरंत बता देगा दोस्तों। ये सनशाइन कंपनी का है दोस्तों। ये मशीन में जैसे हम चार्ज में इन करेंगे, हमारा डिस्प्ले टूटा है वगैरह कुछ भी है, कितना वोल्टेज ये फोन हमारा खींच रहा है वो यहाँ पे शो, ये डिस्प्ले में शो करना चालू कर देता है दोस्तों। तो इससे हमको सुविधा हो जाता है कि इस फोन में चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं, चार्जिंग सेक्शन से ये फोन डेड नहीं है। यदि ये चार्जिंग सेक्शन से डेड होता तो यहाँ पे वोल्टेज बताता ही नहीं। तो पहले हम मदरबोर्ड को छेड़छाड़ करने से पहले, मदरबोर्ड को चेक करने से पहले हम चार्जिंग सेक्शन को पूरा चेक करेंगे। तो ये सब टूल्स होता है दोस्तों, तो वहाँ पे हमें तुरंत पता चल जाता है, हमें तुरंत अनुभव हो जाता है कि हम अभी इस डिवाइस में काम करेंगे तो कौन सा सेक्शन को पहले देखें, कौन सा सेक्शन को पहले चेक करें, कौन सा सेक्शन को पहले जांच करें। तो इन सभी टूल्स यदि आपके पास है तो आप एक बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, आप एक नंबर इंजीनियर वाला काम कर सकते हैं दोस्तों। और आप यदि ट्रेनिंग करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको इन सभी मशीनों से ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, और एडवांस टूल्स के द्वारा एडवांस ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। जितने भी आईसी लेवल का वर्क होता है, कार्ड लेवल वर्क होता है, चिप लेवल वर्क होता है, प्रोग्रामिंग लेवल वर्क होता है, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग होता है, यूएफएस प्रोग्रामिंग होता है, इन सभी चीज़ों का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। स्केचमैटिक, पूरा स्केचमैटिक रीड करने के लिए बताया जाता है दोस्तों। देखिए ये मदरबोर्ड दिख रहा है, इस मदरबोर्ड को पूरा ट्रेसिंग करना होना तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए स्केचमैटिक डायग्राम का। तो पूरी की पूरी स्केचमैटिक डायग्राम का आपको नॉलेज दिया जाता है, एकदम बेसिक टू एडवांस नॉलेज दिया जाता है दोस्तों। आपको यदि ट्रेनिंग करना हो, आपको यदि लगता है कि हमें भी अपना सर्विस सेंटर चलाना हो और अपना रोजगार, बेरोजगार है और रोजगार चाहिए, तो आप इस फील्ड का ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप अच्छा खासा रोजगार कर सकते हैं दोस्तों। इस फील्ड में आपका अच्छा अर्निंग होता है, बहुत अच्छा अर्निंग है, स्कोप बहुत अच्छा है। आज के टाइम में कोई फोन के बिना रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो समझ सकते हैं फोन सभी के घर में 5 से प्लस फोन है कि नहीं, आप हर एक घर में देख सकते हैं 5 से प्लस फोन है। तो फोन इतना है तो फोन खराब तो होता होगा, खराब तो होता ही होता है, वो सर्विस के लिए पहुंचता ही पहुंचता है। तो दोस्तों सर्विस भी इसका, सर्विस का डिमांड भी इसका बहुत ज्यादा है। यदि आपको लगे कि हम भी इस फील्ड में अपना करियर को बना सकते हैं तो आप सभी को मोस्ट वेलकम है, आप हमारे पास आइए और हम आपको पूरा परफेक्ट जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग दे करके, ट्रेनिंग के साथ में एक्सपीरियंस दे करके हम यहां से भेजेंगे दोस्तों। तो यदि लगता है कि ट्रेनिंग करना हो तो हमारा नंबर दिया हुआ है दोस्तों, नंबर पे कॉल करें और कॉल करके पता करें कि अगला सीट कब बुक हो रहा है, अगला बैच कब से स्टार्ट है, वो सीट उस बैच में अपना सीट बुक करें दोस्तों। क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग ट्रेनिंग करते हैं उन सभी, जो भी बैच हमारा स्टार्ट होता है उस बैच का पहले बुकिंग चलता है, पहले बुकिंग होता है दोस्तों। तो यदि आपको ट्रेनिंग लेना हो तो हमारा जो अगला बैच कब से चालू होने वाला है उस बैच में ट्रेनिंग लेने के लिए आप तुरंत कॉल करें और जानकारी लें कि अगला बैच कब से है और रजिस्ट्रेशन आपको कब करवाना होगा।
करना, क्योंकि जितने भी बैच चलता है उसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास पहले होता है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह से इंस्टीट्यूट के बारे में छानबीन करना हो, जानकारी लेना हो, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए। हमारा इंस्टीट्यूट है दोस्तों श्री साई कॉम्प्लेक्स कमांड बिल्डिंग नियर सिटी सेंटर धनबाद झारखंड। तो आप इस एड्रेस पे आकर के हमारा इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले हमारा डेमो क्लासेस लीजिए। डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों, डेमो क्लासेस का कोई चार्ज नहीं लगता है। और हमारे पास जो ट्रेनिंग दिया जाता है दोस्तों वो एक्सपीरियंस के साथ दिया जाता है। आपको 20 दिन ट्रेनिंग करने के बाद हम आपको दुकान सर्विस करने के लिए भेज देते हैं, और वहाँ उस टाइम आपका सर्विस और ट्रेनिंग दोनों चलता है। मतलब जो चीज़ यहाँ बताते हैं उस चीज़ों को आप एक्सपीरियंस जहाँ पे आप सर्विस कर रहे होते हैं वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो सर ने बताया क्या उस प्रोसेस से हम काम करते हैं तो हमारा सोल्यूशन होता है या नहीं होता है। ये ऑप्शन अवेलेबल इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं है, जो कि हमने इसको अवेलेबल करवाया दोस्तों। आपको हम 100% जॉब देने के गारंटी नहीं होता, 100% जॉब देते हैं दोस्तों। आपको हम एक्सपीरियंस के लिए दुकान भेजते हैं काम करने के लिए, वहां से आपको कुछ पेमेंट भी मिलता है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ मिलता है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करने के लिए आए तो आपका मोटिव अभी यही होना चाहिए कि 2-3 महीने तक हमारे अंदर कूट कूट के एक्सपीरियंस आना चाहिए। तो वो सारा व्यवस्था हमारे पास है दोस्तों, जो कि इंडिया का किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है। हमारे पास जो स्टूडेंट रनिंग कर रहे हैं, आप जब इंक्वायरी के लिए आएंगे, जब डेमो क्लासेस के लिए आएंगे, तब आप पता भी कर सकते हैं कि जितने स्टूडेंट यहाँ पे क्लास कर रहे हैं जिसका 20-25 दिन हो चुका है, उन लोग कहीं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारे हर एक स्टूडेंट जॉब करते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस के लिए, हम सभी को दुकान भेजते हैं काम करने के लिए। और वो कहाँ भेजना है, नहीं भेजना है, कैसे भेजना है, वो सारा जिम्मेदारी हमारा होता है दोस्तों, वो सारा हमारा सेटअप होता है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना सीट को बुक करें और एडमिशन कंफर्म करें दोस्तों, क्योंकि हमारे पास सीट फुल तुरंत हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए जब भी आपको लगता है कि हमको ट्रेनिंग करना है तो आप ना इंक्वायरी पहले करें और सीट बुक पहले करें, उसके बाद आपको ट्रेनिंग जिस डेट से आपका ट्रेनिंग जिस डेट का आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा दोस्तों उस डेट से आप ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का ट्रेनिंग करवाया जाता है उन लोगों को इंस्टीट्यूट में भी कस्टमर का सेट में रिपेयर करवाया जाता है। डेड डेड फोन में सिर्फ हम आपको कुछ दिन तक प्रैक्टिस करवाते हैं, 5 या 6 दिन तक हम आपको डेड फोन देंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा। और जब डेड फोन में आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आपको लगेगा हाँ अब हम ऑन फोन में कंपोनेंट्स को लगा लेते हैं, तो हम दोस्तों कस्टमर का सेट हम आपको बनाने के लिए देने लगते हैं। ये कस्टमर का सेट इसलिए देते हैं क्योंकि ये फोन ऑन होता है, चार्जिंग जैक प्रॉब्लम है, माइक प्रॉब्लम है, स्पीकर प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जब आप कस्टमर का सेट में बनाते हैं और वो ओके होता है, तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम जो सीखें वो चीज रियलिटी में सीखें और वो उसको यूज किए तो हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए सेट भी देते हैं कस्टमर को रिपेयर करने के लिए दोस्तों। तो अपना सीट जल्दी बुक करें, नंबर दिया होगा उस पर कॉल करें दोस्तों, और जानकारी लें कि अगला बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। और हमारे वीडियो को आप आकर के देखें उसके लिए तहे दिल से आप सबको शुक्रिया, बहुत शुक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों कि आपने हमारे इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती आप टाइम दिए और इस वीडियो को देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो को लाइक करें, और यदि कुछ सवाल चल रहा है आपके अंदर, कुछ क्वेश्चन चल रहा है आपके अंदर, तो उसके लिए आप हमारा कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे आप कमेंट करें कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ का ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या कुछ भी आपको बेटर आपको बात करना हो तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट में हम आपका जवाब जरूर देंगे दोस्तों। चलिए तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और धन्यवाद।